करीब करीब सभी लोग जानते हैं, परिचय की कोई जरूरत है नहीं। और शिक्षा में तो आप लोगों का मैं कुलीग हूँ, आपके साथ हूँ। हम लोग इस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं और देश आप लोग बनाते हैं। बहुत ही खुशी की और सौभाग्य की बात है तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के लिए कि अब कोरोना काल में नई शिक्षा नीति आई थी और सारे काम ऑनलाइन ही हो रहे थे। सूरत तो तब भी दिखती थी पर दीदार नहीं होता था कायदे से। अब सूरत भी दिख रही है और दीदार भी हो रहा है। वो कहते हैं ना, मिलते तो वो रोज थे मगर बात नहीं होती थी, बात तो रोज होती थी मगर मुलाकात नहीं होती थी। तो आज आप सब यहाँ उपस्थित हैं और बड़ी कृपा की है हमारी बहन गुलाबो देवी जी ने। हालांकि उनकी तबीयत भी नासाज है, आप सबको पता है, पीछे उनको कोरोना ने जैसे और तमाम मुल्क को घेरा था उनको भी घेरा, लेकिन उनकी हिम्मत और उनका पुण्य कि वो बहुत जल्दी ठीक हुई और अपने काम में लग गई। मैं तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय की ओर से, अपनी ओर से माननीय मंत्री महोदय का बहुत स्वागत करता हूँ और दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूँ। ढिल्लो साहब को अभी सुना ही आपने, मंत्र मुग्ध कर देते हैं। अपने इलेक्शन की भी बधाई दे दी, आप सब लोगों का क्या क्या काम किया वो सब भी बता दिया, नई शिक्षा नीति भी बता दी और पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचते हैं ये, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे सरदार। आपका बहुत बहुत स्वागत सरदार साहब, DIUS साहब, मंजुला मैम, द्विवेदी जी, रजिस्ट्रार साहब, मनीष जी, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के सभी डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स, अध्यापक गण, नॉन टीचिंग स्टाफ जो आज लगा है इस काम में, और जिले और जिले के बाहर से आए हुए सभी अध्यापक गण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया, NEP की बात है, नई शिक्षा नीति, ये बात जरूर है कि ये जो वर्तमान में सरकार है केंद्र में, क्योंकि ये शिक्षा नीति केंद्र से ही आई है, बहुत सालों से ये नई शिक्षा नीति बन रही थी बन रही थी बन रही थी, मगर निर्णय लेने की कैपेसिटी और हालात हमेशा ऐसे नहीं होते हैं जो डिसीजंस लिए जा सकें। पर इस सरकार के पास और उनकी जो मेजॉरिटी है उसके कारण डिसीजन लेने में उन्हें सुविधा है, हिम्मत भी है, हौसला भी है। और जब निर्णय कुछ भी लें आप, कहीं भी लें, कुछ लोग उस निर्णय की प्रशंसा भी करते हैं और कुछ लोग किसी भी निर्णय से थोड़ा दिक्कत भी महसूस करते हैं। लेकिन एक बात जरूर जो मैंने समझी है वो इस शिक्षा नीति में एक बात जरूर है कि जो अब जीनियस स्टूडेंट होगा वही टीचर बन पाएगा। जिन मापदंडों की बात अभी ढिल्लो साहब कर रहे थे वो DIUS साहब का भी कहना यही है कि वो सब लागू होंगे और वो एक एक जो उसका सिस्टम बनाया गया है लागू करने का, उसके आधार पर अब आसान नहीं होगा। जैसा आप सबको पता है कि किस तरह से टीचर्स अपॉइंट होते थे, अभी पीछे चल रहा है कि कुछ फर्जी मार्कशीट आगरा विश्वविद्यालय से बनी या उनके किसी आदमी से बनी
और तमाम हमारे अध्यापक भाई जो टीचर हो चुके थे, पाँच पाँच दस दस साल से काम कर रहे हैं, और उनकी बीएड की डिग्रियां नकली पाई गई, अब वो क्या उनका भविष्य क्या होगा वो तो अलग बात है, लेकिन उससे खराब, उससे बहुत ज़्यादा खराब बात जो हुई है कि ऐसे अध्यापकों ने जो हमारी एक पूरी पीढ़ी को बिगाड़ा है, एक जनरेशन जो खराब हुई है, वो शोचनीय प्रश्न है, क्योंकि वो तो फिर गंगा सागर से ही बह के गंगोत्री तक जा रही होगी, उसका नतीजा क्या होगा, और वो वही जाने जिनके बच्चे पढ़े हैं। एक बात और है, एजुकेशन घर घर, गांव गांव, शहर शहर, कस्बे कस्बे बहुत आसान हो गई है, हर जगह आपको इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, प्राइमरी कॉलेज सब कुछ मिल रहा है, पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के नाम पर थोड़ी दिक्कत है। ग्रेजुएशन के बाद भी आदमी नौकरी ढूंढने आ रहा है तो बहुत बढ़िया बायोडाटा बना के लाता है और कंप्यूटर से टाइप हुए हुए एकदम देख के लगे उसके पास पीएचडी भी है और पता नहीं क्या क्या, सारी डिग्रियां, सारे एक्सपीरियंस कंप्यूटर का, अगर उसको कितना भी ज्ञान है तो वो अपने आप को बहुत होशियार और काबिल ही उसमें सब कुछ लिखा होता है। तो मैं अक्सर एक काम करता हूँ कि भैया ये जो कुछ भी तुम कहना चाहते हो उसको यहाँ बैठ जाओ सामने टेबल पर और हाथ से लिख के दे दो, ये जो लिखवा के लाए हो इसको छोड़ो, अपने हाथ से लिख के दो तुम्हारे तुम क्या चाहते हो, तो आप यकीन मानेंगे उसकी उस कंप्यूटर से बनी हुई जो दास्तान है, लिखी हुई दास्तान उससे बिल्कुल अलग होती, वो क्या लिख रहा है, उसका क्या अर्थ निकल रहा है, उसके सेंटेंस कैसे पूरे हो रहे हैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, वो हमारी शिक्षा नीति पर, हमारे शिक्षकों पर और हम सब पर एक प्रश्न चिन्ह है। जिनको जॉब देना है उनको लोग नहीं मिल रहे हैं, जिनको जॉब देना है उन्हें लोग नहीं मिल रहे हैं, और जिन्हें जॉब करना है उनको कंपनियां नहीं मिल रही हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं, क्योंकि अब वो जमाना शायद नहीं रह जाएगा कि आप डिग्रियों के आधार पर काम पाएंगे, अब वो जमाना आ रहा है जब आप काबिलियत के हिसाब से काम पाएंगे। तो आप लोग, हम लोग तो अब मतलब आप लोग, हम लोग तो अब उस दौर से गुजर चुके हैं, लेकिन जिन जिन बच्चों की जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है, अब आप ये जरूर देख लीजिए कि हम उनको जहाँ जो आने वाला समय है वो नॉलेज का समय है, वो डिग्रियों का समय उतना नहीं है जितना नॉलेज का समय है। बहुत सारे लेक्चर्स आपने सुने हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी सुनी हैं, और लेट भी थोड़ा कार्यक्रम हो गया है, मैं आप लोगों का दिल की गहराइयों से, जितने लोग भी यहाँ आए हैं उन सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इस आज के इस कार्यक्रम से ज़रूर आप कुछ ना कुछ ऐसा लेके जाएंगे जिसको आप आगे भी समझा सकें, आगे भी उसको एग्जीक्यूट कर सकें, और हमारा जो मुख्य अतिथि है माननीय, हमारी जो आज की अध्यक्ष है कार्यक्रम की माननीय मंत्री महोदया, उनको भी अभी हमें सुनना है। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ, आप सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।